ये कांकरेज गौ माता देखो भाई, सुंदरता बहुत ही अच्छी है, उसका मुंह और कान सब कुछ बढ़िया है भाई देखो। और पहले बेहतर में है, तो पहले बेहतर में ये गौ माता का ग्रोथ है वो भी अच्छा है, यानी कि यहाँ पर अच्छी तरह से ये गौ माता की सेवा हुई है देखो। और बावले की पोजीशन देखो, अडर की पोजीशन देखो, एकदम थन पास जो स्पेस चाहिए वो भी अच्छा है, और रूप में भी अच्छी है, चमड़ी भी अच्छी है, पीछे वाला स्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो ये थोड़ी और परिपक्व होगी तो उसकी दुष्मता बढ़ सकती है। बढ़ सकती तो है। 7 से 8 लीटर दूध दिया ना? हाँ दिया। अच्छा, तो ये आपकी घर की है? मेरे घर की। अच्छा, तो ये आपने बीजन की या कोई नेचुरल ब्रीड से? नहीं, बीजन करवाया था। कौन सा? ये बना देरी है, डामा डेरी, सीमेंट डेरी का। बना देरी का? डेरी। अच्छा देखो भाई, ये बना देरी का है, क्योंकि हमने देखा था तभी हमें पता था ये बना देरी का है भाई। दूध क्षमता भी अच्छी है, गौ माता की सुंदरता भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो भाई, स्वभाव शांत है? स्वभाव शांत। अच्छा, ये थोड़े भड़क गई है रहने दो। आपसे देखो भाई, स्वभाव शांत है एकदम, अद्भुत है भाई। और ये कॉकरेट से बनाया हुआ है, तो गौ माता के जो खुर है वो प्रॉपर सही तरह से मैनेज है। देखो भाई, खुर एकदम घोड़े की तरह है चारों, अद्भुत है भाई। और ये बन्नी भैंस? बन्नी भैंस पहले बेहतर। ये पहले बेहतर की है? पहले बेहतर। बिया लिया? बिया लिया। कितना दूध है? जब भी आई तब 5.5 से 6 लीटर था दूध। अच्छा, एक टाइम का? एक टाइम का जी। जी देखो भाई, ये एकदम छोटी है, और पहले बेहतर में कितने समय हुआ उसको? 3 बरस की। 3 बरस की? हाँ। अच्छा, और अभी आए हुए कितने समय हुआ? 11 महीना। 11 महीना। अभी गाभिन है? अभी गाभिन है, और दूध भी देती है। दूध भी देती है? हाँ। कितने महीने के गाभिन है? 3 महीने के। 3 महीने के गाभिन है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पिछले साल कितना दूध हुआ था अपना ये बना देरी में टोटल? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख का? तो 3 भैंस ही। इस साल कितने दूध दे रही है? इस साल ही 3 ही है। 3 ही है। अभी 5 भैंस बियाने वाली है। वाले। अच्छा, तो आप कोई बाहर से खरीद के नहीं लाते? नहीं, घर का ही। तो घर पर ही तैयार करते? अच्छा, तो देखो भाई, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे करड़िया भी है, और एक हम दूध से ज्यादा उछेर में ध्यान ज्यादा देते। अच्छा, यानी कि बच्चे ये तैयार करने में ज्यादा फोकस करते हैं। दूध कम देरी में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन पशु तैयार करते हैं? पशु तैयार। तो मुख्य इनकम आप दूध देते हैं या पशु से लेते नहीं? हैं? पशु उसेर से। पशु उसेर से। हाँ। यानी कि ये करड़िया तैयार हो गई? तैयार हो गई, बड़ी हो गई, दूध देने लगी। तो करड़िया बेचते या बड़ी भैंसे बेचते हैं? बड़ी भैंस बेचते हैं, और जो तैयार हुई जी वो घर पे रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो 12 महीने के अंतराल में आप कितने भैंसे बड़ी? हर साल हम 2-3 लाख के पशु बेचते हैं। 2-3 लाख के पशु सेल भी कर लेते हैं? अच्छा, और 2-3 लाख का दूध भराते हैं? हाँ। यानी कि 6 लाख का जो टर्न ओवर है। हाँ। वो हो जाता है? हो जाता है। अच्छा अच्छा, देखो भाई, तो जैसे कि कोई भी करड़ी तैयार करनी है, ठीक है, कोई भी करड़ी तैयार करनी है, तो कितना दूध पिलाते हैं? कोई 1 आंचल 2 आंचल कितना दूध देते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है, हम दोने के बाद लीटर 1.5 लीटर या 2 लीटर पिलाते हैं। अच्छा, अलग से पिलाते? अलग से पिलाते, बोतल में से। अच्छा, बोतल क्या क्या बोलते हैं गुजराती में? दोड़िया बोलते हैं। हाँ जी, तो उसे डायरेक्ट आप डायरेक्ट पी लेते हैं? डायरेक्ट पी लेता है? डायरेक्ट पी लेते हैं, या तो क्या बोलते हैं इनको, ये बोतल ही है ना? हाँ, बोतल का ही है। जी जी जी, इनसे पिलाते हैं। ये कैसे पिलाते हैं आप? इनके डायरेक्ट मुंह? अच्छा, तो मुंह में रख लेते हैं जी, तो इनके जो आप पी लेते हैं। अच्छा, तो ये डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं? डाल देते। और ये जो अपना जो बर्तन है, ऐसे डायरेक्ट पी लेगी? हाँ, डायरेक्ट पी लेगी। तो ये आप पकड़ के रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो पकड़ लेगी? वो पकड़ लेगी। क्या बात है, देखो भाई, ये भी बहुत बढ़िया ये जुगाड़ है। तो ये डायरेक्ट जो करड़ी होती है उसके मुंह के अंदर रखा जाता है, तो ये ऐसे ही पकड़ के रखती होगी? पकड़ के रखती है, दूध जो अंदर जो क्या पात्र में है जी, उतनी बार मुंह में रखती है, और दूध खलास हो जाता है, तो बाद में छोड़ देती है। देखो भाई, इस टाइप आप जुगाड़ कर सकते हैं, जो हम बोतल में पिलाते हैं उससे मुकाबले ये अच्छा रहता है। और आपने ये भी बहुत बढ़िया जुगाड़ किया है ये गोबर वाला। देखो भाई, जैसे कि अभी ये फावड़ा है, फावड़े की मदद से उसके अंदर डाल दिया, और ये लेके चले जाते हैं? चले जाते हैं। जो जहाँ पूरा सवार का और सुबह का दो ओटा होता है, दोनों टाइम का? अच्छा, तो ये दो ही भरते हैं आप? दो ही। अच्छा, तो ये करड़िया भी आपने बहुत ही अच्छी बनाई है, ये सभी रिजल्ट बुल का है? बुल का। तो बुल आप कैसे लाते हैं? ये तीनों भाई का साथ में रखते हैं? साथ में ही। साथ में रखते? तीनों भाई के लिए साथ में रखते? साथ में रखते। अच्छा अच्छा, तो जो कहाँ से लाते हैं प्रॉपर बुल आप? बन्नी से। बन्नी से लाते? बन्नी से ही। तो क्या क्या देखते हैं उसके अंदर आप? बन्नी जो बुल लाते हैं तो क्या क्या देखते हो? खास बन्नी नस्ल का होना चाहिए। बन्नी नस्ल और बन्नी नस्ल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए,
प्रॉपर बनी हुई चाहिए। हाँ। अच्छा, और दूध देखते हो गए? दूध उनकी माँ का सब कुछ देखते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपने ये भैंसों में सबसे ज्यादा दूध कितना है? सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा मतलब यानी कि एक भैंस में, यानी कि ये सबसे ज्यादा ये भैंस है। अच्छा, इसका 9 लीटर है, एक टाइम का 9 लीटर, एक टाइम का 9 लीटर। अच्छा अच्छा, और अब अभी तीसरी बार भी आएगी जी, तो 10 लीटर होगा। अच्छा, ये भैंस का। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई, ये बन्नी एवं महसाणी दोनों क्रॉस है और दुधारू पशु है। देखो भाई, ये सुंदरता भी अच्छी है और सब कुछ बढ़िया है भाई। देखो, और यहाँ पर छोटे छोटे जो करड़िया तैयार करते हैं, हमारे पशुपालक भाइयों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट अच्छे दुधारू पशु पे करना चाहिए। कोई अच्छा बुल लाओ और उससे जो अपने स्थानीय जो नस्ल है उसे गाभिन कराओ, उसके बच्चे बढ़ेंगे वो घर पर रखो, और जो बड़ी भैंसें होती है वो आप सेल कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी जो बंडी भैंसें घर पर बनती है, तो वो अपने खुद की रहती है, उसके अंदर क्या खास विशेषता है, अपनी भैंस की जो उसकी माँ है वो ये कटड़ी की हाइट और लंबाई देखो। बहुत बढ़िया है, देखो भाई ये कटड़ी की आप देखो, ये कटड़ी लंबाई हाइट सब कुछ बढ़िया है। देखो बॉडी की आप चमक देखो, और लंबाई देखो, और हाइट देखो भाई, बहुत बढ़िया है भाई, अद्भुत है, बहुत बढ़िया। आपने वो दादाजी बोल रहे हैं कि कोई बुल बना देर में दिया था? हाँ दिया था। कितना बुल दिया बना देर में आपने अभी तक? हम दो दिए। दो दिए? दो दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो दो बुल दिए, उसका माँ का दूध क्या कहते हैं? 10 लीटर टाइम का, 10 लीटर और दोनों टाइम का 20 लीटर, तो बना देरी ले गए। तो अभी कोई सीमन चालू हुआ उसका, तो वो आपको आइडिया नहीं है? वो तो हमें आइडिया नहीं है, वो तो 3-4 साल हो गया। जी 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 जी, तो 3-4 साल का हुआ, तो वहां पर तो शायद सीमन कलेक्शन भी चालू हुआ होगा। ये कौन से बेहतर है इसका? ये दूसरी बार भी आएगी। ये दूसरी बार? अच्छा, सफा एकदम शरीफ है। देखो भाई, और सिंग बिंग सब कुछ बढ़िया है। दुष्मता क्या बोली इसकी? 6 लीटर। हाँ। पहले बेहतर भाई, पहले बेहतर, दूसरे बेहतर भी आने वाली है। अच्छा, वजन बहुत बढ़िया है, देखो भाई अद्भुत है। और ये वाली? ये पहले बेहतर अभी भी आएगी, अब भी आने वाली है। हाँ। अच्छा, क्या दुष्मता हो सकती है? मिनिमम 5 लीटर तो होगी। 5 लीटर? हाँ। अच्छा अच्छा, देखो भाई, सिंग और ये पूंछ भी पतला है, मुंह भी अच्छा है, और चमड़ी भी अच्छी है, ढीली चमकदार, तो दूध तो वैसे 6-7 लीटर तो देने वाली है। ये भी घर की होगी? ये भी घर की है। ये कौन सा बेहतर है इसका? ये दूसरी, दूसरा बेहतर, दूसरा बेहतर है, बी आने वाली, बी आने वाली। पहले बेहतर में कितना दूध दिया? 6 लीटर। 6 लीटर। अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये कोई बड़ा झड़ा कर नहीं बोल रहे, जो बोल रहे वो सत्य बोल रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि काफी ऐसे वीडियो आते हैं कि 6 लीटर देते, ये 8 लीटर बताते बोलते हैं, लेकिन ये तो, और ये है भाई बहुत बढ़िया बुल, देखो भाई अद्भुत। तो ये घर पे तैयार किया गया? घर पे है, इनका ही है, इनका ही है। हाँ। अच्छा, तो इनका दूध क्षमता पहले बेहतर में 5-6 लीटर, और ये बुल की माँ का, ये बुल जैसा कि इसका पिता, उनके पिताजी का माँ का रिकॉर्ड क्या होगा? इसका रिकॉर्ड क्या होगा? 8-9 लीटर होगा। 8-9 लीटर? हाँ, क्योंकि इनका जो बनी से हम लाए थे वो बुल को। अच्छा। हाँ। वो बुल बनी से लाए थे। हाँ। अच्छा अच्छा, देखो भाई, आप प्योरिटी दिखाओ, इधर आ जाओ, कैमरामैन इधर आ जाओ। देखो भाई, जो प्योर बनी अपन बोलते हैं ना, एकदम फेस कट बहुत ही सुविकसित सुंदर, और मुंह एकदम छोटा और बैठा हुआ, कान भी अच्छे है, बॉडी कैरेक्टर भी अच्छे है। आप पीछे उसकी पूंछ भी दिखाओ और पैर भी दिखाओ, टेस्टिकल भी अच्छा है। अभी थोड़ी केयर कम की लगती है। हाँ। ठीक है, अभी थोड़ा ये खून चढ़ेगा। हाँ। चमड़ी बमड़ी ये थोड़ा विकास होगा, ग्रोथ होगा, तो भारी बनेगा, तभी उसकी सुंदरता और दिखने वाली है। लेकिन अभी भी सुंदरता कम नहीं है, अद्भुत सुंदरता है, अद्भुत है भाई। आगे से दिखाओ भाई, ये ऐसे आप कैसे फोकस करो तो उसकी सुंदरता दिखेगी, क्योंकि हमारे जो बनने के जो जानकार है वो तो ऐसे देख के पता चल जाता है कि ये आगे जाके क्या चीज बनने वाली है, अद्भुत है भाई। और ये तो कोई सीमन रखा था क्या इसमें? ये बीजन में तो अनुवाद कर, ये बीजन की है। हाँ। अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये प्रॉपर है बन्नी, ठीक है, उसका मुंह भी कैरेक्टर बन्नी है, शरीर का भी कैरेक्टर बन्नी है, ये पूंछ का भी है, लेकिन सिंग पीछे की ओर जाते हैं तो शायद हमें मुरा का बीजन। हाँ। रखा ऐसा लगता है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये शायद मुरा का लगता है, और ये भी अच्छी है, देखो भाई मजबूत है,
ये गाभिन है? नहीं, ये गाभिन नहीं है। ये कितने महीने की, ये कितने बरस की है? 17-18 महीने की हुई। 17-18 महीने की। ग्रोथ अच्छा है? बहुत अच्छा ग्रोथ है, अद्भुत है भाई। बन्नी भाई, बन्नी स्वभाव में शांत होती है, और मेरा मानना यह है कि पशुपालक भाइयों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे पाए वो एक ही नस्ल है, बन्नी। ठीक है, और वो कंसिस्टेंसी पूरे भीतर दूध भी अच्छा देती है, जैसे कि कम दे रही है फिलहाल, 5-6 लीटर दे रही है, तो वो कंसिस्टेंसी वो ऐसा ही रखती है। ये हमने बन्नी से भैंस खरीद कर लाई थी, उसके साथ में आई थी। हाँ, उसके साथ में आई थी। अद्भुत है भाई, ये भी अच्छी है, ये उसकी दूध क्षमता सबसे अच्छी हो सकती है। देखो भाई, मुंह भी अच्छा है और पैरिटी पे अच्छी है, और सिंग आप देखो भाई, ये पूंछ देखो एकदम राउंड मारे ना, जितना ये पूंछ एकदम ढीला पतला होगा ना, उसकी दूध क्षमता अद्भुत है भाई। देखो, और ये बन्नी तो वैसे स्वभाव में एकदम शांत होती है, शांत होती है। आप खुली नहीं छोड़ते इसको? ये पहले खुले थे, अभी बात दी है। और पानी की भी जस्ट बगल में व्यवस्था है। देखो भाई, और ये पूरा का पूरा क्रोकेट है। क्या खिलाते हैं आप ये पशुओं को? पशुओं को हम पापड़ी, बिनोड़ा फल खिलाते हैं। ये बाजरा है, बाजरा भिगोया हुआ, ये बाजरा है, और ये कपास ये की पका कर खिलाते हैं। हाँ, पका कर खिलाते हैं। पका लिया है, ये बाजरा है, और ये कपास ये खड़। हाँ, और उसके अंदर और उसके अंदर है गवार का, गवार की चूरी। अच्छा, तो बना दाना नहीं खिलाते? नहीं, बनास दाना नहीं खिलाते, नहीं खिलाते ना। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई, संतुलित आहार किसे कहा जाता है? जैसे कि एक तो अनाज आ गया इसके अंदर, ठीक है, अनाज तो ऑलरेडी आ चुका है उसके अंदर, और एक तेलीय पदार्थ जो बिनोला फल है वो भी पानी में भिगो लिया है, और एक है कठोरिया, कठोरिया वर्ग, वैसा ये संतुलित आहार हो चुका है। कोई मीठा मीठा या नमक वमक डालते है? नहीं, नमक बाद में डालते है, नमक डालते है। हाँ, तो ये हो गया प्रॉपर, क्योंकि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो हम ज्यादा अनाज खिलाते हैं तो उसके अंदर गैस बनती है, तो नमक डालेंगे तो न्यूट्रन रहेगा उसका, जो पीएच लेवल सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये आप ये उबाल कर खिलाते ना? हाँ, उबाल कर। कैसे उबालते हैं, गैस पे या चूल्हा? चूल्हा पे। चूल्हा पे, ये लकड़ का चूल्हा? लकड़ का चूल्हा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये हमने देखा है, ये शायद कोई गैस बेस्ड सिस्टम है। अच्छा अच्छा माहौल है। देखो भाई, ये पशुपालन करना है तो शुरुआत में कम पशु रखो। हाँ, और धीरे धीरे शुरुआत करो, धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे, और उसके अंदर आप एक अच्छा बुल रखो। ज्यादातर पशुओं की नस्ल सुधार करने में आप ज्यादा फोकस रखो, तभी आप विकास कर पाएंगे, आपकी पीढ़ी भी कुछ आगे कर पाएगी, अच्छी आपकी जो पीढ़ी होती है वो भी कुछ आगे कर पाएगी। यहाँ पर जमीन कितनी है आपकी, जमीन टोटल? हमारी टोटल सभी तीनों भाइयों की जमीन है 42 एकड़। अच्छा, और यहाँ पर मुख्य क्या क्या होता है अनाज, जैसे कि फसलें क्या क्या लगती है यहाँ पर? बाजरा, बाजरा होता है जी, ज्वार होती है, ज्वार भी होती है, और सियारू पाक में क्या बोलते हैं, गेहूं होता है, गेहूं भी होता है, तम्बाकू होती है, तम्बाकू सब कुछ लगा देना, सब कुछ होता है। अच्छा, और यहाँ पर जो जैसे कि हम ज्यादातर यहाँ पर आते हैं तो दाड़म बोलते हैं अपन, हाँ हाँ, अनार बोला जाता है ना? हाँ, अनार बोला जाता है। हाँ, तो अनार की खेती अधिक होती है? अनार की खेती अधिक होती थी, पर क्या 2015 में जो पूर आया था, वो पूर से दाड़म में बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, बाद में खेडूतों ने जो अनार थी वो निकाल, नहीं कहीं कहीं जगह पर है अभी लगे, अभी है। अच्छा, पर जो पहले 15 के पहले थी जी, इतनी नहीं रही। अच्छा, इतनी नहीं रही। हाँ, यानी कि जो पानी आने के बाद उसके अंदर जो रोग का प्रभाव बढ़ चुका, बढ़ चुका था। अच्छा, तो वो क्या रेट में जाती है वो अनार सब? 30 रुपये से लेकर 100-125 तक किलो में, किलो में। हाँ, किलो का। क्या बात है। हाँ, अद्भुत है। तो शुरू में प्रॉफिट तो हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ, पर क्या नुकसान आया ना बाद में 15 के पूर्व में। अच्छा, तो सबसे अधिक एक एकड़ में कितना प्रॉफिट मिला था आपको, अंदाजित कितना लाख का? एकड़ में यानी कि 2000 पौधे थे लगाए थे, तो 2000 पौधे, 1000 पौधे में 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अच्छा, क्या बात है, अद्भुत है, बहुत बढ़िया। और ये यहाँ पर देखो भाई, ये दो भाई यहाँ पर रहते हैं, और एक अलग से बाड़ा है,
वहां पर भी हम अलग से वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि ये तीन भाई है, सभी ज्वाइंट फैमिली है, खेती भी ज्वाइंट में है लेकिन पशुपालन सिर्फ अलग है, ठीक है। और ये गौ माता सबसे बढ़िया है, अद्भुत है। ये बिदन का है ना, नंदी महाराज है ना, ये बड़ा देरी का है ना, डामा सीमेंट नहीं नहीं बनास डेरी का, बड़ा देरी का ही। तो किससे पास करवाया था ये, गेड़ा में करता वो है, वो कोई और बेला में है, वही वही है वो, तो डामा ना डामा का है वो, दांतीवाड़ा का है ना वो, दांतीवाड़ा का। अच्छा मजबूत है। तो ये बुल अब बड़ा करेंगे या नहीं, माजन में छोड़ेंगे? बस वही माजन में छोड़ेंगे, रस्ते में छोड़ेंगे? नहीं रस्ते में नहीं, माजन में। माजन में? हाँ। अच्छा ये अच्छा पूछना पड़ता है, काफी वीडियो में भाई बोलते हैं कि ये बुलाते कहाँ क्या करते हैं, क्योंकि बनासकांठा, बनासकांठा में हर 10 किलोमीटर के अंतराल में गौशाला भी आती है और पांजरा पोल भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेवा होती है, कोई जो ना रखना हो तो वो पांजरा पोल या गौशाला में छोड़ देते हैं, ये समस्या होती है सभी को। तो यहाँ से देखो भाई, फार्म एकदम मध्यम बांधकाम वाला है और पशुधन कम है लेकिन अच्छा है। और भाई साहब हमें ये बताएं, जैसे कि कितने कितने समय तक ये भैंसे दूध देती है? रनिंग भैंसे 8 से 9 मास तक। 8 से 9 मास तक? हाँ। अच्छा, यानी कि ड्राई करना पड़ता है, दूध निकालना बंद करे तभी तभी हाँ ड्राई होती है। हाँ, ये 11 महीना हो गया अभी दूध देती है। 11 महीना हुआ अभी भी दूध देती है, यानी कि आप ये लाइव एग्जाम्पल है, लंबे समय तक दूध देती है, अद्भुत है। और मेरी तो ज्यादातर ये गौ माता पे नजर जाती है, क्योंकि सुंदरता उसकी अच्छी है, चमड़ी भी अच्छी है, चमक भी अच्छी है। तो भाइयों, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और एक अच्छे कमेंट करो। तो यहाँ पर इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।